आज ही के दिन 1970 में ब्रिटेन के सैनिकों ने मलेशिया पर आक्रमण किया था। उस वक्त मलेशिया पर हॉलैंड का अधिकार था और वो इसके स्रोतों को लूट रहा था, लेकिन मलेशिया में ब्रिटिश सैनिकों के आगमन के बाद हॉलैंड को मलेशिया से पीछे हटना पड़ा। आज ही के दिन 1829 में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच पहली नाव की दौड़ हुई थी। ये रेस टेम्स नदी की 6.8 किलोमीटर लंबी धारा पर होती है। अब तक 81 बार ये रेस कैम्ब्रिज की टीम ने जीती है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिस्से 77 जीत आई हैं। आज ही के दिन 1955 में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था। बैडमिंटन के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण पर सबसे गहरा असर प्रकाश पादुकोण ने डाला। उन्होंने ही सबसे पहले ये दिखाया था कि चीनियों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। आज ही के दिन 1967 में इसराइल ने 6 दिन से चल रहे अरब युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम को मानते हुए लड़ाई का अंत कर दिया था। इस युद्ध में इसराइल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों धर्मों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आज ही के दिन 1987 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन का निधन हुआ था। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी ही संजीदगी से निभाया। वैसे तो जीवन ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन देवर्षि नारद के रूप में उनकी भूमिका को लोगों ने दशकों तक सराहा। आज ही के दिन 1999 में नेटो ने कोसोवो पर 11 सप्ताह की बमबारी के बाद सर्ब सैनिकों की वापसी शुरू होते ही बमबारी पर विराम की घोषणा की थी। नेटो ने ये बमबारी तब शुरू की थी जब मिलोसेविच ने एक अंतर्राष्ट्रीय शांति मसौदे को मानकर कोसोवो से यूगोस्लाविया की फौजों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।